गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हिंदी दी नंबर। ओके, तो आज हम हिंदी में हमने गिनती तो देख ली थी, ठीक है, कि 1 से 10 किस तरह से लिखते हैं। आज हम इसे शब्दों में लिखते हुए देखेंगे। जैसे कि हम इंग्लिश में 1 लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं उसका स्पेलिंग है O N E 1, उसी तरह से आज हम उनको शब्द में लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम शब्द में लिखते हैं वैसे हम आज इसको शब्द में लिखेंगे। एक ये अंक है, हम इसे शब्द में लिखेंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, एक क, तो हम ये लिखेंगे और क ए। ठीक है, किस तरह से लिखना है, तो हमें पहले क्या करना है, एक और क एक। ठीक है, अब ये है दो, तो दो किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे द, आ की मात्रा और ए की मात्रा दो। ठीक है, द और ओ की मात्रा दो। फिर से मैं बता रही हूं, द और ओ की मात्रा दो। फिर यह है, क्या है यह, तीन, तो हम लिखेंगे त, ई की मात्रा न, तीन। ठीक है, अब हम लिखेंगे त, ई की मात्रा न, क्या हुआ, तीन। अब यह क्या है, चार, तो हम लिखेंगे च, आ की मात्रा र, चार। फिर से मैं बता रही हूँ, च, आ की मात्रा र, चार। ठीक है, यह है पांच, प, आ की मात्रा अनुस्वार और च, पांच। फिर से प, आ की मात्रा ऊपर अनुस्वार और च, और जो चंद्र का करना है ऊपर और उस पे बिंदु रखना है, ठीक है, अनुस्वार रखना है, इस तरह से पांच लिखना है। फिर है छ, तो हमको छ और ह की मात्रा, ठीक है, छ ह लिखना है, सिर्फ छ नहीं लिखना, छ ह लिखना है, ऐसे पॉइंट हमें करने हैं। फिर है सात, तो स, आ की मात्रा त, सात। ये छ में फिर से बता रही हूँ, छ तो लिखना ही है और फिर ऐसे दो डॉट भी करते हैं, ह की मात्रा लगानी है। सात में मैं फिर से बता रही हूँ, स, आ की मात्रा त, सात। फिर है न और ओ की मात्रा, ठीक है, स्टैंडिंग है और दो मात्राएं लगेगी, न, न ओ की मात्रा न, और ये है दस, द और स, दस, द और स, दस। ठीक है, एक को हम कैसे लिखेंगे, ए और क एक, दो को द और सेकेंड पेज पे फिर से आपको लिखना है, ठीक है, टू टाइम आपको
नंबर में लिखना है, दूसरा हिंदी में स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। कि एक दो अंक में लिखना है, दो शब्दों में लिखना है, तीन अंक में तीन शब्दों में, उस तरीके से आपको लिखना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हिंदी। हमने अभी गिनती देखी, ठीक है, अंक को शब्द में लिखना हुआ देखा। ये हिंदी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ग्रीन कलर का उसका कवर पेज है, अभिनव हिंदी प्रवेशिका नवनीत पब्लिकेशन की है। अब हम आगे, हमने ये गिनती तो देख ली थी, ठीक है, अब हम आगे थर्ड यूनिट देखेंगे कि वर्णमाला का सचित्र परिचय। वर्णमाला भी हमने देखी थी कि क ख अ आ ई, ठीक है, उसका सचित्र परिचय यानी चित्र के साथ अब हम उनका परिचय देखेंगे। यहाँ पर लिखा ही है मूलाक्षरों का सचित्र परिचय। यहाँ देखा लिखा है पढ़ो बोलो और लिखो। यहाँ पर पढ़ना है, बोलना है और लिखना भी है। जैसे कि असे अनार, ये अनार का चित्र है, तो असे अनार, और यहाँ पर देख देख कर यहाँ पर अनार लिखना है। आसे आम, तो यहाँ पर आम लिखना है। इसे इमली, इसे ईक, उसे उल्लू, उसे ऊन, रूसे ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे एनक, ओसे ओखली, औसे औरत, असे अंगूर, और अह से अह अह अह, जैसे बच्चा हंसता है उस तरीके से, ठीक है। आपको ये जैसे यहाँ पे शब्दों को वर्ण से, जो वर्ण है उनसे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम आ रही है, ठीक है, 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो उसमें ये आ सकता है कि वर्ण दिया होगा और उस पर से आपको शब्द लिखना है। तो जैसे अ दिया हुआ हो तो उससे क्या लिखना है, अ से अनार, आ से आम, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अ से अंगूर, और अह से अह अह अह, ठीक है। ये थे स्वर। अब हम करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन में क्या है, तो पहला व्यंजन है क, तो क से क्या होता है, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गणेश जी, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढकना, ठीक है। तो ये सब शब्द आपको देख देख कर यहाँ नीचे लिखना ही है। ये था पेज नंबर 7, अब हम पेज नंबर 8 देखेंगे। तो वहाँ आगे के व्यंजन हमको दिए हुए हैं, तो अण से बाण, त से तलवार, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नगाड़ा, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ। पेज नंबर 9, र से रथ, ल से लड़की, व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, श्र से श्रवण, ठीक है। ये सारे शब्द आपको याद करने हैं और आपकी ये टेक्स्ट बुक है उसमें यहाँ देख देख कर लिखने हैं, और हिंदी की नोटबुक में भी आपको लिखना है। अभी मैं आपको बोर्ड पे लिखकर बताऊंगी कि किस तरह से लिखना है। मैं फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ, आपको भी मेरे पीछे पीछे दोहराना है। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अ से अंगूर, अ से अह अह अह, क से कमल,
ख से खरगोश, ग से गणेश जी, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढकना, अण से बाण, त से तलवार, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नगाड़ा, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, व से वजन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल, श्र से श्रवण। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने ये वर्णमाला का सचित्र परिचय देखा है, तो वो सब आपको क्या करना है, यहाँ से देख देख कर यहाँ टेक्स्टबुक में जो ब्लैंक दी हुई है वहीं पे लिखना है, और नोटबुक में भी लिखना है। नोटबुक में किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से आपको लिखना है। नोटबुक में पहले हम स्वर देखेंगे, तो स्वर को पहले हम लिखेंगे अ, तो अ से स्मॉल डैश करना है, और अ से अनार, फिर आ, तो आ से आम, ठीक है, फिर आता है ई, तो हम लिखेंगे ई से इमली। इस तरीके से आपको पूरा स्वर और व्यंजन पूरा वर्णमाला आपको लिखना है। फिर हम व्यंजन देखते हैं, तो वहां आता है क, तो क से कमल, ठीक है, फिर ख, तो ख से खरगोश, ग, तो ग से गणेश जी, घ, तो घ से घर, च, तो च से चम्मच। इस तरीके से आपको आपकी नोटबुक में पूरा ये वर्णमाला लिखनी है। इस तरह से अ से अनार और लिखना है, फिर छोटा डैश करना है, फिर उसका शब्द लिखना है, अ से अनार, आ से आम, से इमली, ग से कमल, ठीक है। और ये आपको याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, जैसे कि ब्लैंक दी हुई हो के वर्ण वैसे शब्द बनाए, तो आपको दिया हुआ होगा के क, ठीक है, क जैसे कि सपोज दिया होगा, तो क से शब्द आप क्या बनाएंगे, इधर ब्लैंक होगा, तो क से क्या बनता है, तो क से कमल, क से कोयल और कौवा, ठीक है, कुछ भी आप जो क से स्टार्ट होता हो उससे आप लिख सकते हैं शब्द। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की नोटबुक में वन टाइम ये एक बार पूरी वर्णमाला उसके शब्द के साथ लिखना है। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।